काशीराम कॉलोनी दुर्व्यवस्था का शिकार, पानी की किल्लत, गंदगी का अंबार, बिजली गुल। बदायूं जनपद के कस्बा अलापुर में बनी काशीराम कॉलोनी इन दिनों दुर्व्यवस्था का शिकार है। दावे तो बहुत हैं, लेकिन यहां पहुंचने के बाद हकीकत पता चल रही है। पीने के पानी और गंदगी के अंबार ने नगर पंचायत के सारे दावों की पोल खोल दी है। जिस काशीराम कॉलोनी में व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए अफसर तीनों टाइम दौड़ लगाते थे, अब वहाँ अव्यवस्थाओं की भरमार है। दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहने वालों को पानी के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां के अधिकांश नल खराब पड़े हैं, नाले नालियां चौक पड़ी हैं। सब कुछ जानने और ढेरों शिकायतों के बाद भी नगर पंचायत के जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। काशीराम कॉलोनी में पानी की आपूर्ति के लिए जलकल ने एक ट्यूबवेल भी लगाया है, जिससे बहुत बड़ी समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर सफाई की बात करें तो वहां पर तैनात सफाई कर्मी कभी कभार ही आता है, पर सबसे ज्यादा गंभीर बात कि कोई सुनवाई नहीं। पूरा काशीराम कॉलोनी बदहाल है। अक्सर रात में कॉलोनी वासी रात के अंधेरे में गुजरते हैं, क्योंकि रोशनी के नाम पर एक लाइट भी नहीं जलती। वहां के लोगों की रातें जागते हुए कटती हैं, क्योंकि कॉलोनी कस्बे से 1 किलोमीटर पर बसी है। आसपास खेत खलिहान है, लोगों को जान माल का खतरा बना हुआ है। बदायूं से अजय पाल यादव की रिपोर्ट। हमारा सोनलाल, ये कॉलोनी में जो आपको दिक्कत हो रही है पानी की, लाइट की, कब से हो रही है? इसको हो गए 4 साल है। 4 साल हैं जी। इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक? कोई सुनवाई नहीं, बहुत एप्लीकेशन दे चुके हैं। किसको दिया एप्लीकेशन आपने? यो साहब को। अच्छा, ये नल कब से खराब पड़ा हुआ है? इसको हो गए कम से कम 1 साल, इसको हो गए 4 साल उस नल को हो गए। अच्छा, अभी तक सही नहीं हुआ है? नहीं। आप पानी कहाँ से भरते हैं पीने के लिए? पानी तो इधर उधर से, एक नल है, कुल 7 नलों में एक नल है। अच्छा, बाकी सब खराब है? बाकी सब खराब है। अब टंकी आती है, वो गरम वरम धर के वो पीते हैं। अच्छा, और लाइट को लेकर क्या दिक्कत है आपको? लाइट को कोई खंभा पे लाइट ही नहीं, कोई खंभे पे लाइट नहीं है, कोई खंभे पे लाइट ही नहीं। इसकी शिकायत दी थी आपने? हाँ। क्या नाम तुम्हारा? ये जो पानी की दिक्कत हो रही है, लोगों ने बताया कब से दिक्कत आई है? ये 4 साल होने हैं। नल खराब पड़ी हुई है। अच्छा, आप जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करती हैं कहाँ से लाती हैं? एक नल सही है, वो पीछे का उसी में भर के लाते हैं। अच्छा, अभी हमने देखा है जो टंकी वाले टैंक लगे हुए हैं, इनका पानी गंदा है। ये पानी इस्तेमाल है उसे पीने लायक पानी नहीं? वो तो लैट्रिन होता है, सही है पानी। इसमें कभी कोई सफाई के लिए नहीं आता? सफाई के लिए कोई सफाई के लिए कोई साफ सफाई नहीं होती है?